अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक और आलू का सालन। उम्मीद है ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैंने 5 से 6 ड्रम स्टिक ले लिया, उसको लेकर छिलकर टुकड़ों में काट लिया। मैंने फ्राई पैन में थोड़ी सी तेल ऐड कर दी। अब मैं उसे तेल में फ्राई करना निकाल दी। मैंने आधे प्याले से कम इस आधे चम्मच जीरा और आधे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैं इसे अच्छी तरह भून रही हूँ ताकि अच्छी तरह भून जाए। अब मैं इसमें चौकी प्याज और चौकी टमाटर ऐड कर दूँगी। जब टमाटर और प्याज गल जाएंगे तो मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। कुछ अब मैं इसमें आधे चम्मच से ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ, आधे चम्मच हल्दी, आधे चम्मच से ज़्यादा धनिया पाउडर, आधे चम्मच जीरा, आधे चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर और आधे चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब मैं सब डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसमें मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर दी। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। अब इसमें मैंने ड्रम स्टिक और आलू छीलकर, 3 आलू को मैंने छीलकर अच्छी तरह धोकर कट करके इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे इन दोनों को अच्छी तरह भून लूँगी। अब भूनने के बाद मैं इसमें मैंने आधा गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसे ढक दूँगी। 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही थी। 5 से 10 मिनट के बाद मैंने देखा हाफ आलू गल चुके हैं, तो मैं इसे दोबारा से ढकती। जब मैं देखी हमारे सालन तो इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगी। ये ड्रम स्टिक आपकी जोड़ों और हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जनाब, मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दिया। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, फ्रांस मॉम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।